सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है, तो आप अच्छे से फ्रेंड्स समझते चलेगा। तो देखिए, अम्ल जो होता है, एसिड का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, जैसे अम्ल में इसी कारण भोजन या फल का स्वाद खट्टा होने के कारण इसे एसिड की मौजूदगी के कारण होता है, मतलब अम्ल के कारण होता है फल में खट्टा का जो स्वाद होता है। और देखिए इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, अम्ल एसिड जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फ्रेंड्स देख लीजिए, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और देखिए, जो एसिड का पानी का जो घोल होता है फ्रेंड, वह बिजली का सुचालक होता है, मतलब इसमें बिजली प्रवाहित होती है अम्ल का पानी के घोल में। तो फ्रेंड्स, अच्छे से जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी, तो सबको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखिए, अम्ल का एसिड का एग्जांपल देख लीजिए, नींबू हो गया, दही हो गया, इमली और कच्चे फल, सभी में अम्ल एसिड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्राकृतिक अम्ल के स्रोत, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जितने भी है सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, साइट्रिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, वो नींबू और संतरा प्राय सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। और देखिए, एसिटिक एसिड जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। और देखिए, टार्टेरिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स, वो इमली में पाया जाता है। जितने भी हैं सबको अच्छे से देख लीजिएगा, साइट्रिक एसिड कच्चे फलों में जैसे नींबू और इन संतरा, और एसिटिक एसिड जो होता है सिरका में, और टार्टेरिक एसिड जो होता है इमली में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। और आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ऑक्जैलिक एसिड, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्जैलिक एसिड जो होता है वो प्राय टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जैलिक एसिड जो होता है टमाटर में पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, लैक्टिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, वो दूध, दही आदि में पाया जाता है। और देखिए, फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है। जितने भी एसिड हैं सबको अच्छे से देख लीजिए, या तो एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, एस्कार्बिक एसिड होता है अमरूद, आंवला आदि में पाया जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, ऑक्जैलिक एसिड टमाटर में, लैक्टिक एसिड दूध दही आदि में पाया जाता है, फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में, एस्कार्बिक एसिड अमरूद आंवला आदि में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, क्षार बेस जो होता है क्षार, तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्षार अम्ल या भस्म का स्वाद जो होता है तीखा होता है, बीटर तीखा होता है फ्रेंड्स, क्षार का जो स्वाद होता है वो तीखा होता है। देखिए, क्षार या भस्म सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लाइन, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है फ्रेंड्स। जो अम्ल था वो नीले लिटमस को लाल कर दे रहा था, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को, जो पेपर को, नीला कर देता है फ्रेंड्स। तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, क्षार का एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना, सब क्षार के एग्जांपल हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना आदि सब क्षार होते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लीजिए, एसिटिक अम्ल को
लैक्टिक अम्ल को, सिट्रिक अम्ल को, टार्टरिक अम्ल को, फार्मिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल को, सबको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए एसिटिक अम्ल जो था वो सिरका में पाया जा रहा था, और दूसरा देखिए लैक्टिक अम्ल जो था दही दूध में, और देखिए सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल इमली में। देखिए फ्रेंड्स जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, बिच्छू घास डंक में। तो फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है।